अध्यक्ष पर एक मामला दर्ज हुआ है धोखाधड़ी का, पूरा क्या मामला है? देखिए 156(3) में 5 दिसंबर को ये मुकदमा 1147/19 थाना बीटा 2 में रविंदर भाटी के खिलाफ दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश से चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ है तो अभी किसी प्रकार की अन्य कार्रवाई इसमें नहीं हुई है, लेकिन जो बातें जो जांच प्रथम दृष्टया की गई है उसमें ये सामने आया है कि जो वादी हैं भव्य शर्मा और जो जिसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, ये साथ में कोई बिजनेस कर रहे थे, प्रॉपर्टी का काम करते थे। इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो भव्य शर्मा ने एक गाड़ी इनको दी थी, इनके अनुसार कि ये गाड़ी लेकर गए, उसके बाद ये गाड़ी फॉर्चुनर इन्होंने इनको वापस नहीं की, गाड़ी में ब्लैंक चेक रखा था जिसमें धोखाधड़ी करके इनके द्वारा कुछ पैसों का ट्रांजैक्शन भी किया गया है। तो अभी मामले की जांच की जा रही है, शीघ्र इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक शिकायत प्राप्त हुई है, गाड़ी हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र हुई है और नियमानुसार विधिक रूप से ही ट्रांसफ़र हमारे यहाँ किया जाता है। तो शिकायत अब उनकी दो लोग हैं, दोनों पार्टनर थे, पार्टनर में आपसी विवाद हुआ है जिसके कारण उन्होंने शिकायत की है, बट हमारे यहाँ से गाड़ी का प्रॉपर ट्रांसफ़र किया गया है। उनकी शिकायत प्राप्त हुई है, उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर पीड़ित का कहना है कि फाइल आए तो देखने तो फाइल भी नहीं मिली है। नहीं, फाइल हम उनको क्यों देंगे, फाइल हमारी चीज़ है, हम अपनी फाइल ढूंढेंगे, उन्होंने शिकायत की, हम उसकी जांच करेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे, क्या उचित है क्या नहीं। वैसे भी उसमें FIR हो चुकी है, अब जो निर्णय लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हम अपने स्तर से तो कार्रवाई जो होनी है मैं करूँगा।